तो बच्चों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसके अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग ओके okay? हम यहां पे ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपकी जो म्यूजिक थ्योरी होती है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए और सिंगिंग के लिए सेम ही आपकी होती है आप चाहे कीबोर्ड प्ले कर लो आप गिटार प्ले कर लो आप सिंगिंग प्ले कर लो तो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक है आप उसमें भी आप प्ले कर पाओगे और आपके वेस्टर्न म्यूजिक भी है आप उसे भी प्ले कर पाओगे सेम इंस्ट्रूमेंट पे ओके okay. तो नोट्स क्या होते हैं तो ये आप जो भी प्ले करते हो ना ऐसे ये जो भी आप प्ले कर रहे हो ये आप नोट्स प्ले कर रहे हो ओके okay? ये पूरे फ्रेडबोर्ड पे आपने स्ट्रिंग्स को ट्यून कर दिया और ट्यून करने के बाद में आप कुछ भी आप प्ले कर रहे हो वो आप नोट्स प्ले कर रहे हो ओके okay? तो नोट्स का मतलब क्या है हम नोट्स को टोन भी हम बोलते हैं ओके सुर या स्वर भी हम बोलते हैं या फिर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हम बोलते हैं या फिर हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी हम बोलते हैं ओके तो नोट्स का okay? मतलब क्या है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि रेजोनेट करती हो जहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स आपके प्रोड्यूस होते हो उस चीज़ को हम बोलते हैं नोट्स या फिर हम म्यूज़िकल नोट्स भी हम बोल सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट को ट्यून ही करना पड़ेगा उसके बाद ही वो प्रॉपर आ पाएंगे ओके okay? तो बच्चों हमारे पास जो नोट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं नेचुरल नोट होते हैं शार्प नोट होते हैं और फ्लैट नोट होते हैं वेस्टर्न म्यूज़िक के अनुसार नेचुरल नोट शार्प नोट या फ्लैट नोट होते हैं ओके okay? और बच्चों जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होता है उसके अनुसार आपके होते हैं शुद्ध स्वर और विकृत स्वर शुद्ध स्वर तो आपके होते हैं प्लेन नोट्स एग्जाम्पल के लिए हम उसे नेचुरल नोट्स भी हम बोलते हैं और फिर होता है आपका विकृत स्वर तो विकृत में होता है आपका तीव्र स्वर या फिर कोमल स्वर तो बच्चों जो नेचुरल नोट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी सेवन नोट्स होते हैं ओके सी डी ई एफ जी ए बी और उसे हम ये भी बोलते हैं सा रे ग म, प ध नी और सोल्फा की नोटेशन होती है उसे हम बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी ये तीनों ही सेम है तो बच्चों इसे मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है आपका नेचुरल नोट्स तो इसके जो बीच में लिखा है वो है सी डी ई एफ जी ए बी ओके तो क्या है कि हम नेचुरल नोट्स को हम नेचुरल क्यों बोलते हैं हम नेचुरल नोट्स को नेचुरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी शार्प या फ्लैट नहीं होता है तो बच्चों अब तक मैंने आपको जो बताया है वो ही है सी डी ई एफ जी ए बी सारे गामा पधानी तो एक चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसीज है वो आपकी बढ़ते जाती है ओके okay, एग्जांपल के लिए सी डी ई एफ जी ए बी सारे गामा पधानी तो बच्चों ये नेचुरल नोट्स को शुद्ध स्वर को वंस हम कीबोर्ड पे प्ले कर लेते हैं और उसके बाद हम गिटार में प्ले कर लेते हैं इससे क्या होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी ओके okay? तो जो नेचुरल नोट्स होते हैं वो कीबोर्ड में इस प्लेस पे आपके होते हैं ना यहाँ से आप प्ले करते हो सी डी ई एफ जी ए बी या फिर आप यहाँ भी प्ले कर सकते हो सी डी ई एफ जी ए बी आप कहीं भी आप प्ले कर सकते हो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो या ऊपर भी आप स्टार्ट आप कर सकते हो ओके okay? हम इस प्लेस पे भी अपने नेचुरल नोट्स को प्ले कर सकते हैं सी डी ई एफ जी ए बी ओके सारे ग आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर आपका वेस्टर्न म्यूजिक हो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर पाऊंगे और सिंगिंग में भी आप उसे गा पाओगे आप नेक्स्ट मान करके आप चलो कि ये हारमोनियम है ओके okay? तो यहाँ भी हम प्ले कर पाएंगे स रे ग म प ध और नी और रिहाज भी हम कर पाएंगे ओके okay? तो जो हारमोनियम में कीज और कीबोर्ड में आपकी वो सेम कीज़ रहती है वो सिर्फ आपके हारमोनियम में वो स्मॉल साइज़ में रहती है ओके okay? तो कीज़ वगैरह वो सेम रहती है तो आपने यही प्ले करना है ओके स रे ग म ध नी बट मोस्ट जो केसेस में जो होता है वो काड़ी नंबर हम वन से प्ले करते ओके okay? तो अपना अपना वे ऑफ प्लेइंग होता है और अपने अपने गले के हिसाब से पिचेस अपने अपने इसमें होते हैं ओके okay? तो इसकी वजह से हम काड़ी वन से हम प्ले करते ओके okay? सा रे ग म ध नी मैं वंस मोर आपको दिखा देता हूँ तो मोस्ट टाइम पे मोस्ट क्लासेस में हम ऐसे ही प्ले करते ओके कि सारे ग म प स तो बच्चों इसके बात का जो पॉइंट आपके माइंड में आएगा कि यही अल्फाबेट्स क्यों और यही ऑर्डर क्यों सी डी ई एफ जी ए बी सी या फिर स रे ग म प धनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में आपको जो बता देता हूँ इसमें क्या है आपका इंपॉर्टेंट है स को हम बोलते हैं पीकॉक के वो साउंड से आया ओके फिर रे कहाँ से आया है बुल के साउंड से आया फिर ग कहाँ से आया है तो गोट के साउंड से आया है तो ऐसे ही रेस्ट ऑफ द जो साउंड्स से ऐसे ऐसे आपके एनिमल और बर्ड्स के ये साउंड से आपके आते हैं ओके okay? स रे ग म प ध और नी इसे हम ये भी हम बोलते हैं कि ये स्वरमाला है यह स्वर मंडल में जो स्टार्टिंग आपके जो नोट होते हैं वो स से ही आपके स्टार्ट होते हैं और ये आपकी श्रुति से आपके आते हैं ओके तो ये हो गए इसकी अंडरस्टैंडिंग ओके तो ये आपके सात सुर होते हैं और इसी को हम शब्द तक बोलते हैं सरगम भी हम बोलते हैं ओके स र ग म सरगम भी हम बोलते हैं शब्द तक सब तक उसमें एक वर्ड मीन्स सेवन इसकी वजह से हम उसे सप्तक भी बोलते हैं और अभी आते हैं हम वेस्टर्न म्यूज़िक में तो बच्चों वेस्टर्न म्यूज़िक में जो जो साउंड होता है सी डी ई एफ जी ए पी सी तो इस साउंड के अनुसार ही अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर्स को रखा गया है आप बोल सकते हो कि एक प्लेस डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर आप बोल सकते हो इसकी वजह से ही ये प्रॉपर आपके ऑर्डर में है तो बच्चों इसके बाद जो सी नोट होता है अगर हम स्केल के अगर हम अनुसार उसे हम अगर देखते हैं तो हम सी नोट को हम टॉनिक बोलते हैं फिर डी को हम सुपर टॉनिक ई को मीडियंट सब डोमिनेंट डोमिनेंट सब मीडियंट लीडिंग नोट और ऑक्टिव तो बच्चों हम स को मूल स्वर भी हम बोलते हैं और इसे स्टार्टिंग नोट बोलते हैं स्केल का ओके तो स मूल स्वर है द स्टार्टिंग नोट ऑफ द स्केल तो स से ही स्टार्ट होता है तो सेम वे में भी सी से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और सी पे ही आपका एंड होता है ओके ये स से स्टार्ट होगा और स पे ही आपका एंड होगा तो बच्चों इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका शार्प नोट और फ्लैट नोट्स तो वेस्टर्न म्यूजिक के अनुसार ट्वेल्व नोट्स होते हैं और ट्वेल्व नोट्स को हम क्रोमेटिक स्केल भी हम बोलते हैं ओके okay? तो उसमें से सेवन नोट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं नेचुरल नोट्स एग्जाम्पल के लिए यही है सी डी ई एफ जी ए बी और उसमें से दो शार्प नोट आपके होते हैं सी शार्प और एफ शार्प और तीन आपके फ्लैट नोट होते हैं ई फ्लैट ए फ्लैट और बी फ्लैट तो बच्चों उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं सेमीटोन का कॉन्सेप्ट जो शार्प नोट होते हैं और फ्लैट नोट होते हैं वो आपके कीबोर्ड में भी आपके होंगे गिटार में भी आपके हैं और सिंगिंग में भी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीबोर्ड के लिए देख लेते हैं ओके तो शार्प नोट को हम फॉर्म कैसे हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ जो शार्प नोट आपके जो फॉर्म होते हैं तो हमें पहले एक सीक्वेंस आपको लिखना पड़ेगा ओके नेचुरल नोट से ही फ्लैट नोट और शार्प नोट आते हैं तो कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ ओके बी और सी के बीच में स्पेस नहीं होता है ओके okay? और इसके बाद डी होता है ई e और एफ के बीच में कोई आपका शार्प फ्लैट नोट नहीं होता है फिर आता है जी फिर आता है ए और उसके बाद आता है बी एन एस सी तो बच्चों इसके बाद आपके एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हम शार्प आखिर हम बनाते कैसे ओके okay, मैं आपको लिख के अंडरस्टैंड कराता हूँ शार्प नोट ओके तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है ना मैंने आपको प्रीवियसली अभी अभी ये बताया है सेमी टोन का जो कॉन्सेप्ट आता है ओके okay, सेमी टोन को हम हाफ टोन भी हम बोलते हैं और हाफ स्टेप भी हम बोलते हैं ओके okay? तो यहाँ पे आप देखिए शार्प नोट जो होते हैं ना कोई भी नेचुरल नोट से जब हम एक सेमी टोन या हाफ टोन आप बोल सकते हो आगे जाएंगे तो हम फॉर्म करेंगे शार्प नोट नेचुरल नोट फिर कौन से हैं सी सी के आगे जाएंगे तो क्या बनेगा सी शार्प यहाँ पे आपका बन सकता है सी शार्प फिर जी शार्प भी आपका बन सकता है ए शार्प भी आपका बन सकता है और सी फिर शार्प ये तो मैंने आपको बता दिया है ये डी शार्प भी बन सकता है ओके डी शार्प मींस आप देखो और एक एफ शार्प बनेगा ओके सी वन टू थ्री फोर फाइव आप फाइव शार्प नोट फॉर्म कर सकते हो इसका मतलब है आप कोई भी नेचुरल नोट से एक सेमीटोन ऊपर आप जाओगे तो आप फॉर्म कर पाओगे अपना शार्प नोट ओके तो मैंने आपको अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन मैंने किया था सी का फ्लैट नहीं बनेगा और बी का शार्प नहीं बनेगा और एफ़ का फ्लैट नहीं बनेगा और ई e का शार्प नहीं आपका बनेगा ओके okay? तो ये हो गया आपके पांच जो शार्प हैं तो एक सी uh, के हो गए डी एफ जी ए सेम वाइज में फ्लैट नोट होते हैं ओके okay? तो फ्लैट नोट का जो फॉर्मेशन है वो भी एक सेमी टोन या हाफ टोन आप अगर ड्रॉप करते हो आप पीछे अगर आप जाओगे तो आप फ्लैट नोट आप फॉर्म कर पाओगे एग्जाम्पल के लिए डी के पीछे जाओगे तो आप डी फ्लैट बना पाओगे ई के पीछे जाओगे तो आप ई फ्लैट बना पाओगे जी के पीछे जाओगे तो आप जी फ्लैट बना पाओगे ए के पीछे जाओगे तो आप ए फ्लैट बना पाओगे बी के पीछे जाओगे तो आप बी फ्लैट बना पाओगे ओके मीन्स क्या है ये दोनों ही नोट सेम ही आपके हैं क्लियर सी शार्प को ही आप डी फ्लैट बोलते हो डी शाप को ही आप ई e फ्लैट बोलते हो एफ शार्प को भी आप जी फ्लैट बोलते हो सेम जी शाप को ए फ्लैट ए शाप को ही आप बी फ्लैट बोलते हो मीन्स जो नोट होता है वो सेम होता है तो मैं कीबोर्ड की अगर आपको एक फोटो में आपको दिखाऊं तो डी शार्प और ई फ्लैट सेम आपका होता है नोट ओके okay? ये जो ब्लैक नोट है डी शार्प ई फ्लैट सेम नोट है उसी तरह गिटार में भी आप बोल सकते हो एफ शार्प या जी का फ्लैट वो सेम नोट है क्लियर और एक एग्जांपल के लिए ए फ्लैट आप पीछे जाओगे तो फ्लैट आप फॉर्म कर पाओगे सामने आओगे तो आप शार्प फॉर्म कर पाओगे जी का शार्प मींस जी शार्प ए फ्लैट सेम नोट आपका होगा ओके तो होप सो मैं आपको एक्सप्लेन में कर पाया हूँ शार्प और फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट और वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेमी टोन के हिसाब से होता है ओके वन सेमी टोन नेचुरल आप नोट से आगे आप जाओगे आप शार्प फॉर्म कर पाओगे और वन सेमीटोन आप पीछे होंगे तो आप फ्लैट फॉर्म कर पाओगे ओके एक और जो कॉन्सेप्ट है इस प्लेस पे फुल टोन हम बोलते हैं ओके तो कोई भी आप नोट से आप अगर दो नोट ऊपर आप अगर जाओगे तो आप फुल टोन फॉर्म कर पाओगे तो ये कॉन्सेप्ट भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन में कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए सी के बाद आप अगर डी पे जाओगे मीन्स वन एंड टू आप अगर यहाँ पे आप जाओगे, आप टोन फॉर्म कर पाओगे ओके और इसका एप्लीकेशन स्केल्स वगैरह के जो फॉर्मेशन में है जो मैं आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन में करने वाला हूँ ये टोन का जो कॉन्सेप्ट ओके गिटार में भी आपका होता है और कीबोर्ड में भी होता है और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये सेम होता है ओके okay? सेमीटोन को हाफ टोन भी हम बोलते हैं और हाफ स्टेप भी हम बोलते हैं और टोन को हम फुल स्टेप भी बोलते हैं और फुल टोन भी बोलते हैं ओके okay? तो टोन इज इक्वल्स टू टू ऑफ द सेमीटोन्स ओके जो टोन होते हैं वो दो सेमीटोन को मिला के बनते हैं तो बच्चों वेस्टर्न म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं यहां पे लिख करके वेस्टर्न म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं ओके okay? जो ट्वेल्व नोट्स होते हैं उसमें आपके होते हैं सेवन नेचुरल नोट्स प्लस टू शार्प एंड थ्री फ्लैट नोट्स नेचुरल नोट्स का सिंबल इस टाइप का होता है शार्प नोट का इस टाइप का होता है और फ्लैट नोट का इस टाइप का होता है तो मोस्ट टाइम पे जो नेचुरल नोट्स होते हैं उसके हम सिंबल हम नहीं डालते कि हम शार्प या फ्लैट के ही हम सिंबल्स हम डालते हैं तो बच्चों हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी आपके ट्वेल्व नोट्स ही आपके होते हैं ओके okay. तो ऐसा माना गया है कि संगीत शास्त्र में जो श्रुति होती है वहाँ से आपके निकल के आए हैं शुद्ध स्वर क्लियर और शुद्ध जो स्वर होते हैं वो टू टाइप्स के आपके होते हैं और उसी में से हम ट्वेल्व नोट्स हम फॉर्म कर सकते हैं दो चीज़ें जो आपके निकल के आती है उसे हम पहले कहते हैं विकृत स्वर विकृत जो स्वर होते हैं उसमें आपके चार कोमल होते हैं और एक तीव्र होता है दूसरा होता है अविकृत स्वर अचल स्वर भी हम इससे बोलते हैं अविकारी स्वर भी हम इससे बोलते हैं इसके एग्जाम्पल है स और प तो इसे हम इमूवेबल स्वर भी हम बोलते हैं ओके तो जो विकृत स्वर है हम इसके ऊपर हम फोकस करेंगे ये चार कैसे हैं और ये एक कैसे हैं। ओके तो हिंदुस्तानी क्लासिकल हम म्यूज़िक में रे का हम कोमल बना सकते हैं हम गा का हम कोमल बना सकते हैं ध का हम बना सकते हैं और नी का ये बना सकते हैं ओके और म का तीव्र स्वर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व तो इस तरह हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी आपके बारह ही नोट्स होते हैं और इन्हीं के ऊपर इनका स्केल्स वगैरह भी होता है ओके जो राग वगैरह हम बोलते हैं तो वंस में से आपके हारमोनियम स्टाइल में आपका मैं प्ले कर दूंगा तो इसके जो नोट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे आपके मतलब कीबोर्ड में भी और हारमोनियम में भी तो आप यहां से प्ले करना स्टार्ट करते हो सा रे ग नी और ये आपका होता है रे ग नी तो ये हो गया एक दो तीन और चार ये हो गया चार आपके कोमल स्वर और ये हो गया आपका एक तीव्र स्वर तो बच्चों मैंने स्क्रीन पे आपकी फोटो रख दी है आप इसे देख करके अच्छे से ऑब्जर्व आप कर सकते हो तो बच्चों जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आपकी होती है इसमें एक खास बात होती है कि आप अपने हिसाब से जो नोट्स होते हैं उसे आप चेंज कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो आप यहाँ इस प्लेस से भी आप स्टार्ट कर सकते हो सारे गा प धनी सा मीन्स सा रे रे ग मा प ध नी नी सा इस तरह भी आप प्ले कर सकते हो आप गाड़ी नंबर वन से भी आप प्ले कर सकते हो ओके okay? तो ये जो जो खास चीज़ होती है ये आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में आपकी होती है तो इसमें कुछ जो फ़ोटोज़ वगैरह मैं आ, स्क्रीन पे आपका मैं रख दे रहा हूँ आप इसे ध्यान से आप ऑब्जर्व आप कर लीजिए ओके okay? तो बच्चों हम सिंगिंग के अनुसार अपने शब्दकों को हम चेंज कर सकते हैं तो बच्चों हमने वहाँ पे देखा कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो कैसे कैसे अपने कीबोर्ड पे या फिर आप हारमोनियम पे अलग अलग प्लेसेस पे भी आप प्ले कर सकते हो उसी आप सेम आप टाइप पे आप एक जो गिटार है या इलेक्ट्रिक गिटार है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे आप प्ले कर पाओगे ओके तो यहाँ मैं वन स्ट्रिंग का आपका इसमें एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ सेकेंड स्ट्रिंग uh, का मैं एग्जाम्पल रख रहा हूँ ओके okay? तो मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ से ओके okay? सा रे रे ग म म प ध नी नी ट्वेल्व नोट्स हो गए ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नोट्स हो गए यहाँ तक आते आते ओके okay? और यही चीज़ आप वेस्टर्न के हिसाब से भी आप प्ले कर पाओगे सी सी शार्प डी फ्लैट जी ए बी ये ट्वेल्व नोट्स हो गए ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट आपको वेस्टर्न म्यूजिक और हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए उसके बाद ही आप अपने जो प्लेइंग है अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो और प्ले कर पाओगे मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए और सिंगिंग आपके जो पैटर्न के लिए ये सेम रहता है बट कैसा है कि अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूज़िक में जो राग होते हैं उसमें जो नोट्स आते हैं और जो वेस्टर्न म्यूज़िक में जो स्केल का जो कॉन्सेप्ट आता है और जो नोट्स आते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं तो जो फ्यूचर की जो वीडियोज़ है उसमें मैं वो सारी बातें बताने वाला हूँ और जो वेस्टर्न म्यूज़िक में फ्रेडबोर्ड के ऊपर जो नोट्स वगैरह है उसकी मतलब प्लेइंग कैसे करनी है और लर्न कैसे करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आप स्क्रीन पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड ये साइड में आपका इंडियन नोटेशन आपके हैं और राइट हैंड पे आपका वेस्टर्न है ओके तो इस साइड में लिखा है स उसके बाद आता है आपका स एस से आता है ओके फिर लिखा है आपका कोमल रे शुद्ध रे फिर कोमल गा शुद्ध गा फिर उसी वो टाइप से आपको वेस्टर्न उसका इक्वेलेंट लिखा है यूनिसन माइनर सेकेंड मेजर थर्ड इस टाइप से उनके नेम्स होते हैं सी सी शार्प डी ई फ्लैट ई एफ इस वे से आपके ट्वेल्व नोट्स होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में भी और वेस्टर्न म्यूज़िक में भी